सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के प्राइम टाइम हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी क्रिसमस। चलिए रूबरू होते हैं अब तक की खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीनी की राह के साथ। जीने की राह के बाद न्यूज बुलेटिन में अब बारी दिन भर के खबरों के टॉप हेडलाइंस की। शहर में चल रहा है क्रिसमस की खुशियों का दौर। अपार उत्साह और उमंग के बीच मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। बस का टायर फटकर बस जा टकराई पेड़ से, दर्दनाक हादसे में दो की मौत, 11 यात्री घायल। अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की कर्मभूमि अमरावती से जन्मभूमि पाटना तक भव्य रैली। पंजाबराव देशमुख को भारत रत्न देने की रखी जा रही मांग। मैसूर क्रीड़ा सांस्कृतिक समारोह में जुमा अधिकारी वर्ग, मेजबान अमरावती ने गाड़े सफलता के झंडे। बख्शिश वितरण से महोत्सव का रंगारंग समापन। प्राथमिक सेवा सुविधाओं से भी वंचित है शहरवासी, मनपा महकमे को ठहराया जा रहा नाकारा। तो ये थी आज के खबरों की टॉप मोस्ट हेडलाइन। चलिए अब करते हैं दिन भर के खबरों की समीक्षा, देखते हैं समाचार विस्तार से। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत करेंगे शहर में घटे आपराधिक वारदातों के क्राइम वॉच से। बुधवार की सुबह 11 बजे अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर दौड़ रही एसटी बस का अचानक टायर फटने से रास्ते के किनारे स्थित पेड़ से ये बस जा भिड़ी। इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई है तो कुल 11 यात्री घायल हुए। घायलों में से 3 घायलों की हालत चिंताजनक बनी है। बुधवार की सुबह 11 बजे अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर दौड़ रही परिवहन महामंडल की बस बड़े हादसे का शिकार हो गई। भुगाव से परतवाड़ा जा रही है MH12 PH7543 क्रमांक की बस का अचानक टायर फट जाने से पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बस चालक दीपक वसुनाथे और यात्री महिला कांचन लखन राधानी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए। घायलों में से वामन चिमोटे, सुभद्रा चिमोटे और एक वृद्ध, इन तीनों की हालत बेहद चिंताजनक होने की जानकारी डॉक्टरों ने दी। SP वीरेश प्रभु, आगर प्रमुख नाले भी घटना के जानकारी पर घटनास्थल पहुंच गए थे। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है तो गंभीर घायलों पर इरविन अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद अमरावती परतवाड़ा मार्ग करीब 1.5 घंटे तक बाधित हो गया था और लोगों की भारी भीड़ लग गई थी। पुलिस आगे की कार्रवाई संभाल रही है। इसी बीच परतवाड़ा आगर के बस चालक और वाहकों ने काम बंद आंदोलन छेड़ दिया। परतवाड़ा आगर के सभी चालक वाहकों ने बसों को चलाने से साफ मना करते इस हादसे के लिए परतवाड़ा आगर प्रमुख को जिम्मेदार ठहराते उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। ये बस चालक वाहक किसी की सुनने तक को खाली नहीं थे, अपने आंदोलन को वे सारे सही ठहरा रहे थे। हमारे परतवाड़ा संवाददाता ने फोन पर यहाँ अपडेट दिया। परतवाड़ा आगर जो है वो शाम 5 बजे से परतवाड़ा आगार महामंडल के चालक और परिचालक द्वारा महामंडल बंद कर दिया गया है। पूरी बसें जो है वो जगह पर खड़ी कर दी गई और आसपास के गांव से आने वाली बसें भी खड़ी है यहां पर, और उन्होंने चक्का जाम आंदोलन करके यहां पर शुरू किया है। कोई भी बस नहीं चलाएगा। जबकि उल्लेखनीय बात यह है कि यह जो आज चालक की मृत्यु हुई है दीपक नाथे, इसे सुबह कहता कि मैं ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा, ये गाड़ी का टायर खराब है। इस बात की शिकायत DM को और आगार प्रमुख को करने के बावजूद भी इसको यही बस पर भेजा गया और यह दुर्घटना घटी, ऐसा इनका आरोप है। चालक और परिचालक और उनकी स्ट्राइक यहाँ जारी है। यहाँ पर अचलपुर के उपविभागीय अधिकारी दिनकर महाजन और अचलपुर के तहसीलदार अनूप खांडे, परतवाड़ा के थानेदार गिरीश बोबड़े यहाँ पर आए हैं घटनास्थल पर। और चालक परिचालक इनका जो माहौल है संवेदनशील है, ये कामगार संगठन के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर आधार प्रमुख काले ये भी अनुपस्थित है
और उप आगार प्रमुख लोकल कर यह भी यहाँ पर अनुपस्थित है। प्रशासन किससे बात करे, करीब 400 से 500 यात्री यहाँ पर परतवाड़ा के बस स्टैंड पर खड़े हैं, बसों की राह देखते हुए। किसी को अमरावती जाना है, किसी को अकोला जाना है, अंजनगांव जाना है, सब राह तक रहे, लेकिन कोई यहाँ पर बस चलने के लिए तैयार नहीं। कुल मिलाकर परतवाड़ा जो का जो आगार का जो वातावरण है वो संवेदनशील देखा जा रहा है, और उनको SDPO दिनकर महाजन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी चालक परिचालक समझने को तैयार नहीं। इस मामले के अंदर आसेगांव पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया है, जबकि मृतक के परिजनों ने भी आधार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, और आधार उप प्रमुख मोकलकर ने मृतकों को और घायलों को मुआवजा देने की बात कही है। नवाते से सटे झाड़ियों में एक स्कूटी लावारस स्थिति में बरामद हुई है। पुलिस इस स्कूटी के मालिक तक पहुंचने की कार्रवाई में जुटी है, लेकिन पुलिस का काम जितने कछुए के चाल से चल रहा है उससे ये नहीं लगता कि पुलिस इस स्कूटी मालिक तक पहुंच पाएंगे। शहर के नवाते बाग से सटे झाड़ियों में मंगलवार की रात एक लावारिस स्कूटी झाड़ियों में पड़ी स्थिति में पाई गई। MH 31 AS 2320 क्रमांक वाली यह स्कूटी तपोवन इलाके के किसी के रहने की प्राथमिक जानकारी है। मंगलवार की रात 10 बजे स्कूटी के लावारिस स्थिति में पड़े होने की सूचना सिटी न्यूज को प्राप्त हुई थी। फौरन घटनास्थल पहुंचकर देखे जाने पर यह स्कूटी वहां पड़ी मिली, लेकिन यही सूचना पुलिस को भी दिए जाने के बावजूद पुलिस घटनास्थल नहीं पहुंची थी। सूचना मिलने के 1.5 घंटे बाद पुलिस ने इस सूचना की दखल ली थी। इतने लेट लतीफ है हमारे पुलिस वाले। इस स्कूटी में अगर बम होता तो वो फूटता तो भी शायद पुलिस को कोई सुध नहीं रहती। और CP साहब कहते फिरते हैं हमारी पुलिस चौकन्नी है, देखिए हमारी पुलिस कितनी चौकन्नी है। बुधवार की दोपहर महानगर के बडनेरा मार्ग पर घटे सड़क हादसे में एक राहगीर जख्मी हो गया। इस मार्ग पर दौड़ रहे टाटा सफारी कार ने इस राहगीर को धड़क दे मारी थी। बुधवार के दोपहर शहर के बडनेरा मार्ग पर एक वाहन चालक ने सड़क पर चल रहे राहगीर को धड़क दे मारी और फरार हो गया। यह हादसा नीलम होटल के सामने हुआ। जिस राहगीर को उस वाहन ने उड़ाया, उस जख्मी के जेब से शराब की बोतल बरामद हुई है। पुलिस ने जख्मी को सामान्य अस्पताल पहुंचाकर आगे की जांच शुरू कर दी है। जख्मी की पहचान 30 वर्षीय विजय बुरघाटे के रूप में हुई है। उसे MH 29 R 5159 क्रमांक वाले सफारी कार ने धड़क दे मारी थी। चलिए बुलेटिन में अब बात करते हैं शहर के सामाजिक एवं राजकीय तथा सम्मिश्र खबरों की। समीक्षा करेंगे इन तमाम खबरों की। मनपा द्वारा निर्मित मल शुद्धिकरण संयंत्र लालखड़ी का प्रथम टप्पा शुरू हो चुका है, और यह संयंत्र जल्द से जल्द शुरू कराने के प्रयास युद्ध स्तर पर निपटाए जा रहे हैं। बुधवार को मनपा महकमे ने इस संयंत्र के काम का मुआयना कर आशावाद व्यक्त किया। लालखड़ी में मनपा द्वारा स्थापित मल शुद्धिकरण संयंत्र का प्रथम टप्पा शुरू हो चुका है। शहर भर जो भुयारी गटर योजना की पाइपलाइन बिठाई जा रही है, उस पाइपलाइन से शहर भर का मल यहां पहुंचेगा, जहां इस संयंत्र में मल शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। बुधवार को मनपा आयुक्त अरुण डोंगरे, विधायक राव साहब शेखावत, महापौर वंदना कंगाले सहित महकमे ने इस संयंत्र के काम का मुआयना कर कामकाज देख आशावाद व्यक्त किया। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जे आहे ते 33 MLD होतं, आणि नवीन जे आहे ते पूर्णत्वास येतं 44 MLD असं। टोटल हे जुनं 9 कोटी आणि नवीन 18 कोटी याचं आता नवीनचं तर काम अजून पुष्कळ, त्याला थोडा अवकाश लागेल, पण जुनं जे आहे ट्रीटमेंट प्लांट त्याचा लिक्विड पार्ट हा पूर्ण झालेला आहे। सॉलिड पार्टला अधिकाऱ्यांशी आता MJP सगळेजण इथे उपस्थित आहेत, आयुक्त साहेब आहेत, महापौर ताई आहेत। जवळपास मला वाटतं लिक्विडचं तर यांचं स्टार्ट होऊ शकतं, आणि त्याकरता आत्ता अमरावतीतल्या नागरिकांनीसुद्धा आपापल्या घराचं जे कनेक्शन आहे ते त्यांनी आता या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटमध्ये करावं, अशी सगळ्यांना
आमच्या अमरावतीकरांना आमची आग्रहाची विनंती आहे. इथे सगळ्या पक्षाचे नगरसेवक आणि सगळेजण उपस्थित आहेत. त्याचं कारण त्याच्याशिवाय एवढा मोठा प्रोजेक्ट आपण जो इथे शहरामध्ये घेतलेला आहे हा याचा खऱ्या अर्थाने लोकांना फायदा होणार नाही. हे एकदा चांगल्या पद्धतीने सुरू झालं की शहरामध्ये खुल्या गटारींचं प्रमाण खूप कमी होणार आहे, पण त्याच्यातून होणारा आजारसुद्धा हा सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. त्यामुळे नागरिकांनी आता खऱ्या अर्थाने याचा लाभ घ्यावा. मी आयुक्त साहेब महापौर ताई दोघांना सांगतो की याच्या आता आपण वॉर्ड वाईज किंवा प्रभाग वाईज बैठका घ्यावा आणि सगळ्यांनी महानगरपालिकेतून सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी सहकार्य केलं तर लवकरच याचा खऱ्या अर्थाने लोकांपर्यंत जे आपण कार्य केलं आहे त्याचा फायदा पोहोचेल. सिवेज ट्रीटमेंट प्लॅन सन्माननीय आमदार, सन्माननीय महापौर उपमहापौर आणि सन्माननीय नगरसेवक यांची व्हिजिट घडून आणली. उद्देश एवढाच होता की शासनाने 86 करोड रुपये खर्च करून हा पहिला फेज पूर्ण केलेला आहे आणि तो कारण दुखण्याकरता याला जोडणीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे कनेक्शन जोडो अभियान आपण तो राबवतो आहे आणि ते कनेक्शन जोडो अभियानचं आज ह्या खऱ्या त्याने सुरुवात झाली असं मला वाटते. मी या ठिकाणी सगळ्या नागरिकांना विनंती करतो की त्यांनी आपले कनेक्शन जे जोडून घ्यावे जेणेकरून गावामध्ये स्वच्छता आहे. हे जे प्लांट आहे हे आधी आम्ही पाहायला आलो होतं, त्यावेळेस काम अर्धच होतं, पण आज हे पूर्ण यांनी पूर्ण झालेलं आहे. तर आपल्याला या जोडणीच्या संदर्भात प्रत्येक प्रभागामध्ये सदस्यांची किंवा प्रत्येक सदस्यांना आमंत्रित करून या संदर्भात मीटिंग घ्यावं लागेल आणि प्रत्येक प्रभागामध्ये पाईपलाईन जोडण्याच्या संदर्भात या मुद्द्यावर बोलावं लागेल. शाम चौक पर उड़ान पुल से नीचे गिरकर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ते देख अब जाकर ठोस उपाय करने की याद महकमे को आई है. अब यह डेंजर स्पॉट सुरक्षा जाली लगाकर सुरक्षित किया गया है ताकि अब आगे कोई इस पुलिया से नीचे ना गिरे. राजापीट इरविन को जोड़ने वाले उड़ान पुल का शाम चौक टर्निंग प्वाइंट बड़ा डेंजरस हो चला है. यहाँ अब तक कई दुपहिया चालक पुलिया से नीचे गिरकर मौत के आगोश में समा चुके हैं. मरने वालों की बढ़ती संख्या देख अब इस डेंजर स्पॉट को सुरक्षा जाली के घेरे में लाया गया है. ऊंची जाली और सुरक्षा व्यवस्था कर इन हादसों की पुनरावृत्ति टालने का प्रयास महकमे ने किया है. अब यहाँ से कोई नहीं गिरेगा ऐसा विश्वास महकमे को है. इसी तरह जेब्रा क्रॉसिंग पट्टी सुधारना, दुभाजकों की मरम्मत, यह काम भी महकमा निपटा रहा है. शिक्षण मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख इन्हें भारत रत्न सम्मान मिले यह मांग शिवाजी शिक्षण संस्था ने रखी है. इस मांग का समर्थन करते डॉक्टर पंजाबराव देशमुख इनके कर्मभूमि अमरावती से जन्मभूमि पापड़ वांढुना तक भव्य रैली का आयोजन बुधवार को किया गया था. शिक्षण महर्षि भाऊ साहब उपाध्याय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख इन्हें भारत सरकार भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करे यह मांग उठाई गई है. इस मांग को पुरजोरता से रखते शिवाजी शिक्षण संस्था की ओर से भाऊ साहब की कर्मभूमि अमरावती से जन्मभूमि पापड़ वाठोना तक भव्य रैली का आयोजन किया गया था. कृषि दिंडी, आकर्षक वेशभूषाधारी झांकियां आदि इस रैली का आकर्षण थे.